की शानदार पारी, राकेश पाटिल बने हैं मैन ऑफ द मैच। अर्षद आपके लिए भी 500 का इनाम है, अर्षद आपको भी 500 का इनाम है। आइए, राकेश पाटिल बने हैं मैन ऑफ द मैच। दोस्तों कहीं मत जाना क्योंकि मुकाबला अगला बहुत बड़ा है, वडवली बनाम पिंपरी के बीच होगा मुकाबला। आइए सुनते फिर एक बार सही राजे की आवाज। एडवोकेट हेमंत मडवी यांच्या शुभहस्ते आम्ही राकेशला मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी देऊन आणि एक ट्रीशर्ट देऊन त्याला सन्मानित करेन। अर्चलला देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय, कॅच सुंदर कॅच पकडली त्यांना। संजय पाटील यांच्या माध्यमातून त्यांना 500 रुपये देण्यात येईल। अर्चल या पण बाबू त्या अर्चलला 500 रुपयाचं पारितोषिक कॅच घेतल्याबद्दल। स्वप्नील भोईर, लालूशेठ भोईर यावं आपण व्यासपीठावरती, स्वागत आहे आपलं देखील। डॉक्टर स्वप्नील यावं आपण। प्रत्येक खेळाडूला विनंती करतोय की ज्या वेळेस मॅन ऑफ द मॅचच्या ज्या टी शर्ट तुम्हाला देण्यात, त्या टी शर्ट तुम्हाला मैदानामध्ये घालायच्या नेक्स्ट मॅच मध्ये। अरुणदादा भुईर या ठिकाणी आलेत, त्यांचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करू। यावं आपण मुख्य व्यासपीठावरती, आपलं सहर्ष स्वागत आहे। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। मॅच इथे रंगली पिंपरी बनाम वडवली, वडवली टीमने इथे जिंकलाय टॉस आणि स्वीकारले प्रथमतः क्षेत्ररक्षण। थँक्यू दोन्ही टीमचे 12th मॅन पाठवा। श्रीनाथला मात्र पहिल्या षटकामध्ये प्राचारण केलंय, पहिला अस्त्र टीम वडवलीचा। आई गावदेवी 11 टीम वडवली तर त्यांना फाईट करेल ते मात्र पिंपरी। केदारेश्वर क्रिकेट टीम पिंपरी, बॅट्समन इथे येत आहेत विकास आणि गणेश। विकासला इथे फलंदाजी झकास करावी लागेल कारण खूप चांगली फलटकेबाजी आपण पाहिली टीम कोपरा टीमच्या माध्यमातून 5 षटकामध्ये 101। बरेचसे मंडळी पिंपरी येथील असतील, वडवली गावातील असतील, त्यांचं देखील आपण सरचे स्वागत करूया। युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आम्हाला ऐकतात बघतात त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करू। अप्रतिम दर्जेदार श्री गुरुदेव दत्तकृपा क्रिकेट संघ, नाथाबाई क्रिकेट क्लब, PS क्रिकेट क्लब, स्पर्धा 2022 सा सुंदर लाजवाब पारदर्शक नेत्र दीपकाचं आयोजन आपण या ठिकाणी पाहतो। गोलंदाज तयार रफ्तार के सौदागर श्रीनाथ, पहिला चेंडू बॅटच्या रडार मध्ये, प्रॉपर टायमिंग क्लास दाखवलाय, चेंडू सरस स्क्वेअर लेग रिझन मधून येतो हा पहिला संघर्ष पे षटकार। इथे पाहिला आपण नजरेचा कैदाना षटकार, पहिल्या चेंडूवरती ब्रँडेड षटकार आपण पाहिला।
विकास पहिल्या चेंडूवरती जकास समकलाय आणखीन एक चांगला समालोचन कक्षाला सलामी ठोकणारा हा ब्रँडेड स्ट्रोक षटकार गोलंदाज तुझ्या पुन्हा एकदा क्या बात है आपका गोला उछल कर बोला ये है तो एक दमदार षटकार जबरदस्त फड़केबाजी अप्रतिम तीन चेंडूवरती तीन षटकार ठोकले फलंदाज विकास जी फलंदाजी जकास गोलंदाज श्रीनाथ जी ते फिज काढले इथे चेंज ऑफ पेस एकदा मिळेल एकदा मिळेल एकदाच्या बरोबरीने चेंडू संपून जातो त्या ठिकाणी मात्र चार एकूण धावसंख्या दाफल करते आले ते मात्र एकोणावीस धावसंख्या दाफल करती पहिल्या सुरुवात खूप सुंदर झाले सुरुवात भला तो अंध भला इथे चांगली सुरुवात आहे षटक क्रमांक पहिला फलंदाज या ठिकाणी गणेश ला आपण पाहतोय इथे बॅटच्या रडार मध्ये व्यवस्थित आला नाही इथे एक धाव कंप्लीट दुसरीचा प्रयत्न नाही पाच चेंडू इथे संपून जातात वीस धावा फलकावरती अशी सुरुवात कोबरा टीमने देखील केली होती पहिल्या षटकामध्ये त्याही 20 टोकल्या दुसऱ्या षटकामध्ये 32 टोकल्या गोलंदाज तयार षटकातील शेवटचा चेंडू इथे फटका शॉर्ट पॉइंट मध्ये डायरेक्ट करायला हवी परंतु एकच धाव इथे षटक समाप्तीचा इशारा आहे तो पंचांचा आणि एकूण धावसंख्या 21 धावा गणरायचा शुभांक 21 न्यू भुवन येतोय गोलंदाजी साठी भुवनचा वाफर तलोजा एंड करणं गोलंदाजी ते तो सज्ज आपल्या भातातून दुसरा अस्त्र काढण्यास भुवन येतोय सलामी वीर जोडी गणेश आणि विकासची जोडी खूप रंगली भुवन तेज तरार बॅक टू द बॉलर चेंडू लॉंग ऑन रिझन मधून लॉंग ऑफ करीत वळतोय हा चेंडू इथे डायरेक्ट हिट इथे दोन धावा मिळतील 23 धावा फलकावरती भुवन तेज तरार भुवनची गोलंदाजी राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी तयार आहेत ते तीन क्षेत्ररक्षक तीस केत केल्याच्या बाहेर बाकी आठ क्षेत्ररक्षक अंतर वर्तुळामध्ये आपण पाहतोय इथे अक्रॉस द लाईन नटरा स्टाईल खेळण्याचा प्रयत्न डीप मधून क्षेत्ररक्षक इथे थोडस फंबल झाले दोन धावा मिळतील धाव संख्या मध्ये भर इथे 25 धाव दाफल करते चेंडू फेकून झाला षटकातील दोन प्रत्येक चेंडूवरती दोन रन्स आल्यात
पंचवीसावा दाफल करती गोलंदाज पुनः एक भुवन तैयार समोर फलंदाज विकास ने तीन षटका टोकल चुकाल तो सामला मुकाल चेंडू इतने आड़ अंतिम क्षण इथे तीन रन्स कंप्लीट वेरी गुड रनिंग गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजा मध्य तालमेल वाटलं होतं निकेल का चेंडू सीमा पार होणार नशिबाचे साथ इथे कुठेतरी टीम वडवली टीमला मिळते पिंपरीची बॅटिंग आहे अठावीस धावा दफल करते चेंडू फेकून झाले षटकातील एकूण तीन गणेश हलके हाताने टॅपिंग क्रिकेट इथे बॅकवर्ड पॉइंट मध्ये खूप चुक्या होतात इथे क्षेत्ररक्षण थोडस प्रेशर मध्ये येतात प्रेशर मध्ये तुम्ही ज्या वेळेला खेळत असताना त्यावेळेलाच मात्र या चुक्या होत असतात तुम्हाला रिलीज करावं लागेल हा प्रेशर येतो आणि शो युअर नॅचरल गेम तुमचा जो नॅचरल खेळ आहे नैसर्गिक खेळ आहे तो तुम्हाला दाखवायचा आहे फुल टॉस फ्लिक केलाय चेंडू थांबणार नाही गोलीच्या वेगानं सुसाट वेगानं चेंडू आउट ऑफ द पार्क खणखणीत चौकार गोलंदाज तयार फुल टॉस आणि पंचानी ते बीमर घोषित केलाय इथे मिळतील पाच धावा धाव फलक इथे हलता ठेवलाय 38 धावा धावपळ करते अद्याप षटकातील चेंडू शेवटचा चेंडू फ्रीट आहे उघडा डोळे पहा नीट चेंडू असेल फ्रीट चेंडू मात्र षटक समाप्तीचा इशारा तो पंचांचा इथे षटक क्रमांक दुसरा संपलाय आणि एकूण धावा धावपळ करते 38 रन 19.00 ची सरासरी रायगड प्रीमियर लीग चालू असताना उस्मानची बॅटिंग खूप चांगली 40 धाव्यांवरती खेळतोय फटका चांगलाय अप्रतिम गुड शॉट व्हेरी गुड लय भारी षटकार गोलंदाज इथे फटका चांगला आहे क्या बात आहे डीप लॉन्ग ऑफ लग क्लिअर करत आहे तो आज सनसनी षटकार आणि
थैंक यू या षटकाराच्या बरोबरीने केदारेश्वर पिंपरी टीमचा 50 धावा कंप्लीट। जबरदस्त खेळले या मैदान अक्षरशः पेटवून टाकले या दोन्ही फलंदाजांना आणि एकदा जोरदार टाकले या दोन्ही फलंदाजांसाठी एक चांगली पार्टनरशिप आहे मी म्हणेन 50 धावांची। गोलंदाज तयार आणखीन चांगला फटका त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतील श्रीनाथ होते त्या ठिकाणी मात्र मिळेल एक एक धावीच्या बरोबरीने संघ जाऊन ठेपते इथे 51 धावा। इथे क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन नवीन फलंदाज आपण पाहिलं निश्चितच दोन्ही फलंदाज सेट झालेत। इथे फाईन लेगला क्लिअर केलाय चेंडू सी मार रेषेच्या बाहेर चौकार बिग पार्टनरशिप अप्रतिम पार्टनरशिप ची पार्टनरशिप आपण इंग्लंड विरुद्ध भारत आणि इंग्लंड संघाची बटलर आणि त्यानंतर हॅगनी 170 धावांची पार्टनरशिप 16 षटकामध्ये सामना जिंकला होता भारताला नसते नाबूद करत एक दणदणीत विजय प्रस्थापित केला होता तशाच पद्धतीने पार्टनरशिप आपण पाहिली विकास आणि गणेशची। तर उस्मानने देखील रायगड प्रीमियर लीग मध्ये 50 धावा कंप्लीट केल्यात क्या बात आहे। इथे चांगला फटका आहे गरंगळत चाललाय चेंडू स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक येतील थोडेसे फंबल छेडछाडी चेंडूवरती आणि इथे धावा मिळाले दोन षटकाची होती ते सांगता आणि 19 धावा फलकावरती टीम केदारेश्वर 11 टीमच्या पिंपरी संघाचे 19 धावा 58 तीन चक्क एक एक दोन दोन तीन चार पहिले एक बाय त्यांची त्याची जी एक पहिले आहे ना ती षटकार नंतर आहे ना ती बाय आहे परत 50 इरादे बनते बनकर बिगड़ भी जाते लेकिन सीढ़ी वही जाते जिन्हें साई बाबा बुलाते। इथे तीन षटकांचा खेल समाप्त 58 धावा फुवन स्विचचा वापर इथे नजरेचा कैदाना चुकलाय सरल एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये हा चेंडू विसावतो तत्पूर्वी एक निर्धाव चेंडूची सांगता होते। नेक्स्ट मॅच तुमच्या समोर गावदेवी गावदेवी 11 नारेवली त्यांना फाइट करील कोपरा पहाड़ बाहर आज या स्पर्धेमध्ये 50 धावा वैयक्तिक धावसंख्या येतील का कारण विकास एकूण धावसंख्या आपण पाहिला तर 45 झालेत संघाच्या एकूण धावसंख्या पाहिल्या तर 64 50 रन कंप्लीट करण्याची संधी आहे।
तर ऑल इंडियर्स इथे विकास झाले 45 संघाच्या एकूण धावसंख्येत झाले 64 आजच्या दिवसातील पहिली 50 आपल्या नावे करेल का विकास गोलंदाज तैयार पुन्हा एकदा भुवन 50 धावा कंप्लीट क्या बात है प्रेक्षक माय बाप एकदा जोरदार टाळ्या या खेळाडूसाठी आणि निसे विकास आपण बॅट जरा वरती करा प्रेक्षकांना मानवंदना द्यायची अप्रतिम क्या बात है टाळ्यांचा कडाक चार मैदानाच्या चौफेर इथे फटका चांगला आहे डिफेक्शन रिजनला गोलीच्या वेगाने सुसाट शानदार चौकार सत्रह चेंडू मध्ये बनवल्या 54 धावा 55 धावा बनवल्यात क्या बात है विकास जबरदस्त खेळाडू षटक क्रमांक चालू आहे चौथा भुवन लास्ट बॉल है या वेळेस लीडिंग एज तर फलंदाज इथे बाद होतोय विकास हसत हसत त्याचा काम त्यांनी तमाम करून निघालाय पाठी राखेच्या माध्यमातून विकास जाधवच्या पाठीवरती कौतुकाच्या थापा पडतात जबरदस्त खेळलाय धावा झाल्यात चार षटकामध्ये नवीन गोलंदाज जगदीश येत आहेत शेवटचा षटक हाणामारीचा षटक 74 धावा धावसंख्येचा उच्चांक राहील खऱ्या टीम कोपऱ्याचा 101 धावा बनवल्या होत्या गणेश होते स्ट्राइक वरती 75 रन इकडे डावखुऱ्या त्याचा फलंदाज येतोय तो मात्र प्रवीण येत आहेत पंचाच्या भूमिकेत देखील प्रवीण आहेत भुरदुल आणि इथे डावखुऱ्या त्याचा फलंदाज प्रवीण येतोय गोलंदाज तयार जगदीश येत आहेत षटक क्रमांक 5व्या मानकरी इथे बॅटच्या रडार मध्ये चेंडूला सरळ फेकून दिला वाइड इज लॉन्ग वनच्या वर येतो हा दमदार शानदार रुवदार षटकार जबरदस्त फटकेबाजी
पुन्हा एकदा खेचण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवे ते क्षेत्ररक्षक मशाला ती घेऊन फलंदाज श्रेयस होते त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आणि ते झेल झेल टिपलंय आणि ते खेळ संपवलाय तो मात्र प्रवीणचा. हॅलो, नवीन बॅट्समनला स्ट्राईक असेल पंच क्रॉसिंग नाही आहे. नवीन बॅट्समनलाच तुम्ही त्या क्रीज वरती ठेवू शकाल. एक नवीन नियमावली आपण पाहिली. चेंडू फेकून झाले तिथे तीन धावसंख्या धावफल करते 81 81 धावा. वा क्या बात है, छा गया गुरु, गुड नाट, एक तमाशा देख षटकार. चेंडू खूप दूर गेलाय. इथे धावसंख्या पाहिली 87 87. फलंदाज पुन्हा एकदा तयार. जगदीश षटकातील पाचवा चेंडू, धावसंख्या झाली इथे 87. इथे चेंडू हवेत. इथे मिळतील दोन रन्स. एकूण धावा धावपळ करते आले ते मात्र 89. लास्ट बॉल सुरेख फटकेबाजी राहिली. अप्रतिम बॅट कडे. इथे मिळेले एक रन, एक धावीच्या बरोबरी नाही. ते पहिलं सत्र होते कम्प्लीट. पाच षटकाच्या अखेरीस एकूण धावसंख्या धावपळ करते येतात 90 आणि 91 धावींचा आव्हान असेल तो मात्र टीम I-11 वडवली टीमला. व्यासपीठावरती सरस स्वागत करू. त्याचे किती झाले रे निखिल? 50 मध्ये जाव किती? तर डॉक्टर स्वप्नील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते यावेळेस अरुंधला भोईर यांचा आपण शुभ सन्मान करायचा आहे. मायेची उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक फुलगुच्छ आणि निश्चितच या स्पर्धेची आठवण राहावी म्हणून सन्मान चिन्ह. त्यानंतर स्वप्नील, डॉक्टर स्वप्नील यांना विनंती करेन की आमचे लालू शेठ भोईर यांचा देखील सत्कार आणि लालू सत्कार स्वीकारायचा आहे. पण डॉक्टर स्वप्नील यांचा मी सत्कार करतोय. किरण भोईर यांना विनंती करतोय की आपण सत्कार करावा. पुढचं धावतं वर्णन ऐकण्यासाठी आपण मायक्रोफोन ते इन्व्हाइट करूया योगेश मोरे सरांना. थँक्यू. We'll be right back.
व्यासपीठापति अभम श्री गुरुदत्त कृपा क्रिकेट संघ तोहजा भोईरवाडा आयोजित नाथाबाई नाथाबाई स्मृति चषक 2022 पुन्हा एकदा सर्व प्रेक्षक वर्गाचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। तो अगला मुकाबला होगा गावदेवी नारिवली बनाम कोपरा के बीच। दोनों कप्तान आइए टॉस के लिए सेकंड राउंड का पहला मुकाबला होगा दो बड़ी टीमों के बीच गावदेवी नारिवली और कोपरा टीम के कप्तान आप आइए। तो ये मुकाबले की बात करेंगे पहले दौर का आखिरी मुकाबला दोस्तों दो बड़े टीमों के बीच। एक तरफ है पिंपरी टीम और दूसरी तरफ है वडवली टीम। जहां पर हम बात करेंगे वडवली टीम के सामने 91 रनों का लक्ष्य है 91 रन बनाने इस मैदान के ऊपर। मैंने पहले भी बताया था साई की इस पिच के ऊपर आज रन बहुत बरसेंगे और पिंपरी टीम ने 90 रन बनाए, इससे पहले 101 रन बनाए थे कोपरा टीम ने और इस बार 90 रन बने हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। टक्कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलते मैदान में जहां मुकाबला होगा दो बड़े टीमों के बीच। 91 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है सलामी जोड़ी श्रीनाथ पाटिल और भुवन पाटिल वडवली टीम की ओर से। दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देते हैं। विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शुड अ गुड गेम, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी यही यकीन करते हैं दर्शक और यही बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि 91 रन बन सकते हैं इस पिच के ऊपर। सलामी जोड़ी मैदान पर, गेंदबाज तैयार पहली गेंदबाजी के लिए। संदेश पहली ओवर गेम ऑन। पहली गेंद तेज तर्रार गुडलिन पर पड़ने के बाद नीचे रहती हुई समर इन डिलीवरी। पहली डॉट गेंद यहां पे की गेंदबाज संदेश ने। संदेश जाधव नारवी टीम के कप्तान पहुंचे। तो आइए कोपरा टीम के कप्तान, अगला मुकाबला बिग फाइट है। फिर एक बार संदेश जाधव अच्छी गेंद सामने खेला वाइडिश लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद। एक रन बनेगी एक से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई एक रन के ऊपर। दो दिन चलने वाली ये प्रतियोगिता नाथाबाई स्मृति चषक 2022 का ये पर्व है। खूबसूरत मंजर है, खूबसूरत ट्रॉफी आप देख सकते हैं हमारे मंच के ऊपर, मन को लुभाने वाली ये ट्रॉफियां। मगर आज एक दिन जाए एक टीम जाएगी मेगा फाइनल में, कल 8 में से एक टीम जाएगी मेगा फाइनल में, यानी कि इस प्रतियोगिता में कुल मिला के 16 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले राउंड का ये आखिरी मुकाबला, अब तक तो तीन टीमें जीती है तीन टीमें घर लौटी है, अब ये चौथा मुकाबला। फिर एक बार गेंदबाज और इस बार मिस टाइमिंग शॉट और ये कैच ड्रॉप। कैचेस विन द मैचेस कहते हैं कि पकड़ो कैच जीतो मैच। हर मर्तबा हमने देखा है क्रिकेट की मैदान में जब जब कैच ड्रॉप होती है तब तब वो खिलाड़ी आग उगलता है। देखना होगा इस मैदान में जीवनदान तो जरूर मिला है। रन संख्या दो रन। फिर एक बार संदेश जाधव गेंदबाजी के लिए तैयार। फिटाली एंड से गेंदबाजी करते हुए सामने बल्लेबाज श्रीनाथ पाटिल। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में जरूर फेंकी थी सीधे मैदान में, खुद गेंदबाज ने गेंद को उठाई। रन बनी है एक और एक से टीम रन संख्या पहुंची है तीन। सिंगल डबल से ज्यादा फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, सिंगल डबल से ये मुकाबला तो यहाँ से वडवली टीम मुकाबला नहीं जीत पाएगी। जीतना है तो हर ओवर में दो तीन बड़े शॉट होनी चाहिए। 91 रनों का लक्ष्य, गेंदबाज तैयार फिर एक बार। इस बार विकेटों के पीछे फंसी विकेट, विकेट नंबर पहली भुवन पाटिल बैक टू द डगआउट। Yeah.
विकेट नंबर पहला मैदान के बाहर होता हुआ भुवन अच्छा खेल नहीं कर पाए, नए बल्लेबाज आए हैं अभिजीत पाटिल। जीतना तो अभी है मगर इस बार बल्लेबाज को बड़ी पारी खेलनी होगी। एक रन जरूर बनेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है और अभिजीत पाटिल ने रन बनाई एक और एक के साथ ओवर की समाप्ति हुई। एक ओवर के बाद टीम की रन संख्या पहुंची है एक विकेट के नुकसान पर चार, तो जीतने के लिए 87 की आवश्यकता है, 24 गेंदे अभी भी शेष। चलो कुपरा टीम के कप्तान आना होगा, यस दोनों कप्तान पहुंचे तो टॉस होगा हमारे मंच के ऊपर, मुकाबला रहेगा चार ओवर का सेकेंड राउंड। अरुण सेठ भोईर जिनकी शुरुआतों से हम टॉस करेंगे इस मुकाबले का, जो मुकाबला है कोपरा बनाम नारियली के बीच। तो चार ओवर का मुकाबला है दोनों टीमें याद रखना, सेकेंड राउंड चार ओवर, टॉस जीता है कप्तान नारियली कोपरा टीम। ओके तो दोनों टीम को हम शुभकामना देंगे, कोपरा टीम के कप्तान ने तो टॉस जीता निर्णय जरूर बताएंगे अगला मुकाबला जिस तरह से रहेगा। रोशन भोईर आप जहां कहीं भी हैं आप संपर्क करें हमारे कमेंट्री बॉक्स से, उनकी तरफ से फर्स्ट एड बॉक्स मेडिसिन प्राप्त किए उन्होंने, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। जानते हैं कड़ी धूप है मैदान में खिलाड़ी चोटिल जरूर होते हैं। रन बने पहला ओवर में चार, काफी धीमी शुरुआत रही है बड़ौली टीम की। बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद और डॉट गेंद आती हुई। आई गावदेवी टीम अगला मुकाबले में जरूर देखने को मिलेगी जिस तरह से उन्होंने भी पिछले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया। और ये आई गावदेवी वडवली टीम जिनके सामने 91 रनों का लक्ष्य है, ना तो बल्लेबाजी बेहतर हो रही है ना तो यहां से बड़े स्ट्रोक दिखा रहे हैं, दबाव के ऊपर दबाव है। आप ज्यादा गेंदी दौड़ खेलोगे ना उतना दबाव बढ़ सकता है। फिर एक बार अच्छी गेंद, अच्छी गेंद मगर इस बार अंपायर का डिसीजन आया व्हाइट बॉल और व्हाइट के साथ रन संख्या पहुंची है 5 पर। अभिजीत पाटिल एक ताकतवर बल्लेबाज दिखा रही है, बिल्कुल हाइटेड भी खिलाड़ी है, हाइट का इस्तेमाल होना चाहिए जब टीम बड़े मुश्किल में है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हमेशा विस्फोटक होते और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था और ये विकेट अभिजीत को लौटना पड़ेगा, विकेट नंबर सेकेंड। आई गावदेवी वडवली टीम को लगता हुआ दूसरा झटका, रन संख्या है केवल 5। नाईक एकट घरचा बीकी पाटील मुरबी संघाचा, दापलीचा फलंदाज सुमित पाटील अष्टपैलू नील स्कुटारी। तो गेंदबाज इस समय अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अपील तो स्ट्रांग हुई थी रन बना एक से संतुष्ट नहीं होंगे बल्लेबाज। और दूसरी तरफ है कि पिंपरी टीम एक बड़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है, रन संख्या पहुंची है 6 के ऊपर। ओवर नंबर सेकंड की हम बात करेंगे तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी गणेश द्वारा गेंदबाजी हो रही है और गणेश ने अब तक बेहतरीन गेंदबाजी की है, कुल मिला के 4 गेंदे पे की है, अतिरिक्त स्वरूप में रन बने हैं एक व्हाइट और एक लेग बाइज, ये 2 रन उन्होंने खर्च किए हैं तो रन संख्या पहुंची केवल 6 रन। और इस बार खिलाड़ी तो तैनात नहीं है, जब तक पहुंचेंगे तब तक रन बनेगा एक से ज्यादा कुछ नहीं है।
क्या कमाल की फील्डिंग है, गेंदबाजी खूबसूरत, फील्डिंग खूबसूरत और उससे बढ़िया उनकी बल्लेबाजी रही थी। 90 रन बनाने के बाद बड़े हौसले के साथ टीम मैदान में उतरी। वडवली टीम के ऊपर प्रेशर था और दबाव वही बरकरार रहा कि बल्लेबाजी बेहतर नहीं हो पा रही है, जरूरत है चौके छक्कों की। और अब तक सिंगल डबल और एक डॉट बॉल, और एक डॉट बॉल, मगर इस बार व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा और इस व्हाइट के साथ रन संख्या पहुंची है 8 रन के ऊपर। संतुष्ट नहीं होंगे वडवली टीम के समर्थक क्योंकि ये अतिरिक्त रन एक या दो रन से वो संतुष्ट नहीं है, जानते हैं अब मुकाबला लंबा गया, 91 का टारगेट है और 8 रन अभी भी बने हैं। बेहतरीन गेंदबाजी और एक डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति हुई, दो और दो ओवर के बाद रन संख्या पहुंची है केवल 2 विकेटों के नुकसान पर 8 रन। डीजे, शायद डीजे मास्टर को प्यार हुआ है, दोपहर की कड़ी धूप में एक अच्छी संगीत सुनाई उन्होंने, क्योंकि ये संगीत सुनने से दिल को सुकून मिल जाती है। पुराने संगीत हमेशा बेहतर रहते हैं क्योंकि अब ना नए नए संगीत आए, इस साल तो एक संगीत जरूर आया है, शायद धीरज मुंबईकर को ज्यादा मालूम, क्योंकि आज इस साल की संगीत की बात करेंगे, अंटी माजा झोपड़ी थी बहुत फेमस हुआ है। ओवर नंबर 3 गेंदबाजी फिर एक बार करेंगे। संदेश जाधव पहला स्पेल बेहतर फेंका, सेकेंड स्पेल फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सामने है श्रीनाथ, नाम तो बहुत बड़ा है श्रीनाथ, इस साल थोड़े से शांत है, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है श्रीनाथ के पास भी बड़ी ताकत है, हमेशा बड़ा खेल करने की जिगर रखते हैं, मगर इस बार थोड़े से शांत है। 91 का रहा टारगेट, मगर इस समय रन बने हैं केवल 9 रन। गेंदबाज फिर एक बार गेंद आते हुए मिड विकेट में शॉट में, जब तक गेंद को फील्ड करें रन बनेगा एक। दर्शक भी नाखुश होंगे इस मुकाबले में क्योंकि रन तो बहुत चाहिए, 91 का टारगेट है और ऐसे में सिंगल या डबल से कोई फर्क तो यहां पिंपरी टीम के खिलाड़ियों को नहीं पड़ता, क्योंकि जानते हैं ये मुकाबला अब उनकी पक्ष में झुका है, ताकतवर बना है। तीसरा ओवर जारी है, टीम की रन संख्या केवल 10 के ऊपर है, अभी भी यहां से 80 रनों की आवश्यकता। रिवर्स खेलने की कोशिश थी मगर डॉट गेंद, सीधे बल्ले से स्ट्रोक नहीं आ रहे, तो श्रीनाथ यही प्रयास जरूर करेंगे, जानते हैं कि जब सीधे बल्ले से रन नहीं आते तो फिर क्रॉस बल्लेबाजी करनी पड़ती है, मगर अभी भी यहां से नाकामयाब रहे उनके बल्लेबाजी। डॉट गेंद और एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई अगला मुकाबला तो बेहतरीन होगा। एक तरफ नारीवली टीम की गेंदबाजों की चुनौती होगी कोपरा टीम को, मगर कोपरे टीम के बल्लेबाजों की चुनौती खासतौर पर नारीवली टीम की गेंदबाजों को है जिन्होंने 101 रन बनाए थे। और इस बार गेंद हवा में, उछली गेंद गिरी भी जमीन के ऊपर, कैच में था, बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। रन संख्या पहुंची है केवल 10 रन इस ओवर में, 5 गेंदे 2 रन, कमाल की गेंदबाजी है गणेश जाधव, ये गेंद अच्छी थी, स्क्वेयर लेग में खिलाड़ी है, एक ही रन बनेगा। ओवर की एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई, दो स्पेल पे के दो ओवर में उन्होंने 7 रन देकर एक सफलता प्राप्त की है। संदेश का ओवर रहा बेहतरीन, दो ओवर में केवल उन्होंने दिए 7, इस ओवर से आए 3 और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 11 रन।
रहे हैं वडवली टीम की। टोटल अभी भी 80 रन की आवश्यकता दो ओवर में। मुकाबला तो पूरी तरह से एक तरफा हो चुका है, मुझे देखना होगा ये मुकाबला किस तक पहुंचता, कितने तक ये टोटल पहुंचती है। पहला छक्का इस बार श्रीनाथ के बल्ले से। तो छक्के के साथ रन संख्या पहुंची है 17 रन के ऊपर। अच्छी गिनती बिल्कुल यहां पर हल्के हाथों से क्लिक किया, सिंगल बनेगी, एक से संतुष्ट नहीं है और ये मुकाबला भी अब नहीं जीत पाएंगे क्योंकि लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। रन संख्या पहुंची 18 के ऊपर, अभी भी 73 रन की आवश्यकता है। इस ओवर में गेंदे हो चुकी है 2, यानी कि 10 गेंदे 73 की आवश्यकता है। हर गेंद में छक्का भी आए ना तो भी मुकाबला नहीं जीत सकते। केवल औपचारिकता इस मुकाबले में, और इस मुकाबले की बात करेंगे, पिंपरी टीम की बल्लेबाजी खूबसूरत रही और गेंदबाजी भी बहुत खूबसूरत रही। पहला ओवर संदेश ने 4 का फेंका, गणेश जाधव ने 4 का फेंका, उसके बाद संदेश ने पीरिक गणेश ने पीरिक मार 3, संदेश ने 2 स्पेल फेंके। जैस अब तो काफी बेहतरीन खूबसूरत गेंदबाजी रही। अब ये चौथा ओवर है, गेंदबाज प्रसाद उनकी पहली गेंद में छक्का आया, उसके बाद उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी की है, 4 गेंदे अब तक फेंकी है, 9 रन दिए, अब रन संख्या पहुंची है 20 रन। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से क्लिक किया, सिंगल के साथ मुकाबला आगे बढ़ेगा। केवल औपचारिकता है इस मुकाबले में, जान नहीं है। चौथा ओवर जारी है और टीम की रन संख्या 21। सात गेंद में 70 की आवश्यकता है। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल समाप्त है, टीम की रन संख्या पहुंची है 21 रन। इस मुकाबले की हम बात करेंगे तो विकास ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया इस मुकाबले में, 55 पहला अर्धशतक देखने को मिला था। ये देखिए गेंदबाजों में भी ताकत आ गई। अब शांत है कि ये मुकाबला एक तरफा हो चुका है। राहुल राहुल जाधव है नए गेंदबाज, ये मुकाबला तो अब उनकी तरफ झुका है, जानते हैं कि अब ये मुकाबला उनके पक्ष में है, केवल औपचारिकता है। ये देखिए फुल टॉस गेंद, अंपायर ने नो करार दी, कोई जरूरत नहीं थी राहुल को क्योंकि अब मुकाबला तो एक तरफा बना है। ऐसे में इस तरह से गेंदबाजी, 5 रन बने और टीम की रन संख्या पहुंची 27 रन बने हैं। और एक अच्छी गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति, फ्री हिट वाली गेंद थी और ये रही डॉट। केवल औपचारिकता है इस मुकाबले में, 4 गेंदे शेष है, मगर इस मुकाबले के बाद ना बड़ा बिग शो है। पेटाली जैसे बड़ी टीम को नारीली टीम ने शिकस्त दी थी, उनकी गेंदबाजी बेहतरीन रही थी, मगर दूसरी तरफ सिद्दीक करेवले जैसे बड़े टीम को 101 रन बनाए थे,
कोपरा टीम ने, उनकी बल्लेबाजी खूबसूरत थी, मगर एक तरफ गेंदबाज एक तरफ बल्लेबाज है, अब चुनौती बहुत बड़ी होगी एक दूसरे के सामने जब मुकाबला सेकेंड राउंड का शुरू होगा कोपरा बनाम नारेली के बीच। जगदीश तो और एक डॉट बॉल, आखिरी ओवर है, आखिरी दो गेंदे शेष है, जगदीश को मौका मिला है इस बार बल्लेबाजी का। स्विच हिट लगाना चाहते थे, लास्ट बॉल है इस ओवर की। तो कोपरा टीम के कप्तान ने टॉस जीता है, निर्णय बताना होगा। नो बॉल, नो बॉल, हाँ भाई दो बीमर है तो फिर गेंदबाज चेंज करना होगा, रूल्स के हिसाब आपको गेंदबाज को चेंज करना होगा। डाल दो क्योंकि ये मुकाबला एक तरफा है। तो मुकाबला जीता है, बहुत बड़ा मुकाबला, बड़ी जीत हासिल की है इस बार केदारेश्वर पिंपरी टीम ने, यह मुकाबला जीत लिया। अब हार्ड लक आई गावदेवी वडवली टीम।